हेलो जी, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई सीधा दो कंपनियों के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे भाई नोएडा के अंदर है और उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। वो नोएडा फेज टू में काम करना चाहते हैं, नोएडा सेक्टर 85 में काम करना चाहते हैं, वो कैलिफोर्निक्स में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कंडीशन में हमारी सुपरवाइजर से बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे जेडी भेजा और आज की वीडियो में आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा और गारंटी है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मेरा नाम बताएंगे, तो श्योर है कि आपको जॉब मिल जाएगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और ये जो जॉब है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी आपसे चार्ज, कहीं भी आपसे एक रुपया नहीं लिया जाएगा, बल्कि सैलरी के टाइम टाइम टू टाइम आपको सैलरी भी दिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक नई दो कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है सेक्टर 85, ओनली फॉर 85 सेक्टर, ठीक है, जो कि मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जो भी हमारे भाई ध्यान भटका रहे हैं यहाँ इधर उधर से, प्लीज वीडियो पे ध्यान दे, तभी उनको जॉब मिलेगा। और वीडियो को स्किप मत करना, आधा अधूरा अगर वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जॉब के बारे में बताऊंगा और दो कंपनियों के बारे में बताऊंगा। जो पहली कंपनी है वो है कस्टकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, और दूसरी कंपनी है कैलिफोर्निक्स। और दोनों कंपनियों में बंपर हायरिंग निकलकर सामने आ चुकी है। एक जगह आपको मिलेंगे दीपक जी, सभी कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर का जो नंबर है मैं वीडियो को स्क्रीन पे दे दूंगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो पहली कंपनी है कस्टकॉम, है ना, कस्टकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस की अगर हम बात करें, C47 फेज टू नोएडा का ये लोकेशन होने वाला है। यहाँ पे आपका जो योग्यता होने वाली है वो होने वाली है 10th, 12th and ITI। क्वालिफिकेशन 10th, 12th and ITI वालों को यहाँ पे ले रहा है। अगर आयु सीमा की हम बात करें तो आयु है 18 से 28, 18 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो, मतलब 30 तक चल जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर ITI की अगर हम बात करें, ट्रेड की बात करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो ITI ट्रेड के बारे में पूछते हैं कि इसरार भाई ITI में कौन कौन से ट्रेड को लिया जा रहा है, तो उनमें बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में मैं आपको ट्रेड भी बताने वाला हूँ, क्योंकि पूरी JD मेरे पास आ चुकी है। जो इसमें ट्रेड होने वाला है वो होने वाला है फीटर का होने वाला है, टर्नर का होने वाला है, वेल्डर का होने वाला है, डीजल मैकेनिक का होने वाला है, मोल्डिंग ऑपरेटर का होने वाला है, टर्नर मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, PPO, वायरमैन, शीट मेटल वर्कर मैकेनिक, मशीन टूल ट्रॉफमैन एंड मैकेनिकल मोटर मैकेनिक। ये जो ट्रेड अपने हैं ना, अगर इस ट्रेड से आप भी हैं तो अभी तुरंत अप्लाई करें। अगर मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आप नोएडा फेज टू में हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगा। जॉब लेने और देने पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब आपको दिया जा रहा है। अगर हम सैलरी की यहाँ पर बात करें तो सैलरी आपकी है ITI वालों की 12,400 है, 8 घंटे की, 26 दिन की है, ठीक है, प्लस OT है, संडे ऑफ रहेगा, ये संडे ऑफ रहेगा, और ये 26 दिन की है प्लस OT भी है इसमें। ये तो इन हैंड है, 12,400 इन हैंड है। 10th, 12th वालों की जो सैलरी है वो है 12,400 है, 8 घंटे की, 26 दिन है, प्लस OT भी है इसमें, है ना, प्लस OT भी आपको दिया जाएगा इसमें। 2 टाइम T है इसमें, स्नैक्स हैं फ्री है, 2 टाइम T एंड स्नैक्स फ्री है इसमें। कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। यहाँ पे आपको दीपक जी मिलेंगे, है ना, वॉन इंडिया से दीपक जी मिलेंगे, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, उनके पास कॉल करना, तो वो आपको वहाँ पे बुला के आपको जॉब दे देंगे। ये अभी मेगा हायरिंग निकल कर सामने आई, ये भर्ती निःशुल्क भर्ती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आना, तो देखिए दस्तावेज में अगर हम बात करें, आधार कार्ड, बैंक खाता, ITI का मार्कशीट, बायोडाटा, डिप्लोमा मार्कशीट, पैन कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट और 4 पासपोर्ट साइज का फोटो। मतलब आधार कार्ड आपको लेके आना, बैंक का पासबुक लेके आना, आपको 4 पासपोर्ट साइज का फोटो लेके आना, बाकी जो आपने पढ़ाई कर रखा है वो आपको लेके आना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको लेके आना है। जब आप लेके आएंगे, एड्रेस C47 का फेज टू नोएडा का ये होने वाला है, C47 सी ब्लॉक में 47 नंबर, फेज टू नोएडा का ये लोकेशन है। जो भी हमारे भाई इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, नोएडा के अंदर आ चुके हैं लेकिन उनको कॉम नहीं मिल पा रहा, ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं दीपक जी से। काफी अच्छा इनका भूमिका रहा है, काफी लोगों को इन्होंने जॉब दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपनी के बारे में, आप लोग बने रहना भाई, स्किप मत करना, मैं पहले बोल देता हूं। अब हम बात करने वाले दूसरी कंपनी में, जो कि ईयरबड्स बनाती है, स्मार्ट वॉच बनाती है, सेटअप बॉक्स बनाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चर करती है। एक मैन्युफैक्चर प्लांट है, AC प्लांट है, सिटिंग स्टैंडिंग दोनों वर्क है। कंपनी का नाम है कैलिफोर्निक्स, नई प्लांट है, नई प्लांट खुली है यहाँ पे, सेक्टर 85 नोएडा का ये लोकेशन होने वाला है। 200 लड़कों की इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, 200 लड़कों की जरूरत है, 200 लड़कों को जॉब भी मिल जाएगा। बॉय एंड गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, लड़के लड़कियां दोनों लोगों को जॉब इसमें मिल जाएगी। ये भर्ती केवल उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं,
ना करने वाले प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, ना ही है। और सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले हाथ जोड़ लेता हूँ। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल नया क्रिएट किया इसराइल रियल ब्लॉग के नाम से, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। 1K सब्सक्राइबर होने के बाद ओप्पो सैमसंग वीवो हिटाची जैसे यहाँ जैसे महान कंपनियों की जो वीडियो है उसी चैनल में अपडेट दिया करूँगा, है ना। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कंपनी का नाम है कैलिफोनिक्स है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि 200 लोगों की इसमें ज़रूरत है, और जॉब इसमें जो रोल होने वाला है CRPL रोल पे होने वाला है, जो आपको पेमेंट देगी वो CRPL देगी। CRPL एक ब्रांडेड कंपनी है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी फेक नहीं होता, टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाएगा आपका, किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, ना ही आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिलेगा। कंपनी एड्रेस जो होने वाला है मैं आपको बता दूँ, 2017 Sector 85 नोएडा का ये लोकेशन होने वाला है। मंथली अगर हम बात करें 8 घंटे की शिफ्ट में रहेगा, अगर मंथली की हम बात करें तो 12th वालों की जो सैलरी निकल कर आई है वो है 10,789 रुपये, ITI वालों की जो सैलरी निकल कर आई वो आई है 11,303 रुपये, डिप्लोमा वालों की जो सैलरी निकल कर आई वो आई 12,631 रुपये। ये 8 घंटे की ड्यूटी है, सिंगल ओवर टाइम है, डबल ओवर टाइम इसमें नहीं है। मंथली अवार्ड आपको 2,000 रुपये दिया जाए, अवार्ड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मंथली जो अवार्ड होता है वो आपको 2,000 रुपये आता है, नाइट अवार्ड आपको 1,500 रुपये दिया जाता है फुल नाइट का, और नाइट अवार्ड आपको 500 रुपये दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं, मंथली अवार्ड अटेंडेंस अवार्ड होता है, अगर आप पूरे महीने आप ड्यूटी आपका पूरा रहता है, लीव नहीं रहती है, छुट्टी नहीं मारते है ना, जो भी आपके सीनियर आप कहते हैं उनकी बात मानते हो, ठीक है। तो हर चीज़ को फॉलो करना, रूल रेगुलेशन कंपनी के दायरे में रह के काम करना, नियम से आना, नियम से जाना, नियम को पालन करना, सीनियर जो कहते हैं उनकी बात मानना, सर करके बोलना, काम अच्छे से करना, ढिलंगी से काम ना करना, इसी चीज़ को देखते हुए अटेंडेंस अवार्ड अगर आपका पंचिंग एक भी मिस नहीं होता तो आपको 2,000 रुपये यहाँ पे अलग से दिया जाएगा। बस इसमें फ्री है कैंटीन, इसमें फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा कोई भी चार्ज इसमें नहीं काटी जाती है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, फोटोकॉपी आपको ले लाना है, ऑल एजुकेशन जो भी आपने एजुकेशन कर रखा है 10th 12th ITI अपना जो ID आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एक फ़ोटो होना चाहिए, बैंक का अकाउंट एक फ़ोटो और आधार कार्ड, बाकी जो आपने पढ़ाई कर रखा है उसका मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लेकर आनी है। कंपनी पर आकर डॉक्यूमेंट कॉल करके ही दे और बाकी सब चीज़ों से सावधान रहे। CRPL के सुपरवाइजर वहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पर उन्होंने कार्ड लगा रखा हुआ है CRPL, ठीक है, CRPL का जो है उन्होंने लगा हुआ वो पहन रखा होगा ID कार्ड, तो आप देख लें CRPL। तो आप बोल रहे हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी Israel 2Z, बस इतना बताएंगे, बस सबको नहीं लेंगे आपको ले लेंगे। अगर आप बताओगे हम Israel 2Z की तरफ से आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है, तो आपकी तो ज्वाइनिंग पक्की है भाई, अभी से मैं बता दूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, जो इंटरव्यू डेट होने वाला है वो 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा डेट, ठीक है, और जो इंटरव्यू देने के लिए आएगा वो 8 बजे से पहले पहले आ जाए, ठीक है, 7:30 से 9:30 के बीच में टाइमिंग है, मतलब 7 से 7:30 तक वो आ जाए तो उनका इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ना, लोग क्या करते हैं कि लेट आते हैं, तो ऐसे में उनका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। 9 के बाद आप आते हो तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे सुमित जी मिलेंगे और यहाँ पे भाटी सर मिलेंगे, ठीक है, तो इनका जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला तो कस्टकॉम कंपनी का सुपरवाइजर का नंबर दूंगा, नीचे आएगा कैलिफोनिक्स कंपनी के सुपरवाइजर का मैं नंबर दूंगा, दोनों सुपरवाइजर का मैं नंबर आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक आप काम करना, ध्यानपूर्वक आप जाना, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, आपको किसी को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना। और दूसरी चीज, बॉडी लैंग्वेज है ना, वे ऑफ टॉकिंग, शूज, ड्रेसिंग सेंस, हेयर कटिंग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। शूज पहन कर जाना आप सभी लोग, ड्रेसिंग सेम जो भी पहन लो, वाट एवर स्टार्टिंग में इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेकिन लोअर छोड़ के, लोअर पहन के नहीं जाना, अच्छा शर्ट पहन लो, फॉर्मल पहन लो, अच्छा लगता है, ब्लैक कलर का आप शूज पहन लो। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पहनो, ना मैं कहूँगा आपको, क्योंकि भाई मेरे हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, है ना, तो वो कहेंगे देखो यार इसरार भाई ये क्या ही बता रहे हैं, मैं पास पैसे ना, और ये कह रहे नए नए कपड़े पहन के जाओ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो आपके पास है वो पहन के जाओ, लेकिन ऑफिशियल तरीके से शूज पहन के जाना जो आपके पास है, जो हमारे पास है हम वही पहन के जाएंगे। बॉडी लैंग्वेज, सर सर करके बात करना है, रिज्यूम वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह एक फाइल बना के लेके जाएंगे साथ ही साथ, है ना, तो इससे अलग इंप्रेशन जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो पहले इंप्रेशन पड़ता है वही लास्ट इंप्रेशन जाता है, समझ रहे हो, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और नॉर्मली इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती है वो सभी को पता ही होगा, नॉर्मली में कुछ पूछा नहीं जाता, एज अ फ्रेशर हैं आप, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपका नाम क्या, रहने वाले कहाँ, को क्या पढ़ाई की है, कहाँ रहते हो, काम कर कहाँ करते हो, फ्रेशर हो, कहीं काम नहीं किया, बस नॉर्मली ये सब चीज़ें, बस A to Z कुछ नहीं, सिंपल सा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई काम करना है
कस्टॉम कंपनी में जो कि रेफ्रिजरेटर बनाती है, फ्रिज और एसी वगैरह बनाती है। कैलिफोनिक्स मैन्युफैक्चर कंपनी, एसी प्लांट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाई जाती है। दोनों कंपनी में काम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों भाइयों का नंबर मिल जाएगा, दोनों कंपनी के सुपरवाइजर का नंबर मिल जाएगा। सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना, आपको जॉब मिल जाएगा। तो बस एक बार और हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाइयों से कि हमने यूट्यूब पे एक नया चैनल क्रिएट किया है आप सभी भाइयों की हेल्प के लिए, आप सभी को रोजगार दिलाने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सॉरी यार देखो लाइट कट गई, दिमाग से उतर गया। तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। जैसे ही उस पर 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही उस पर अच्छी अच्छी नए नए कंपनियों की, अच्छी सैलरी वाली कंपनियों की मैं वीडियो डालूंगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए नौकरी से। रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।